सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम, अभी हम सभी मिलकर श्री कल्कि के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सांसारिक इच्छा पूर्ति और आध्यात्मिक प्रगति, इन दोनों में सफलता प्राप्त करके परिपूर्ण करना है अपने इस जीवन को, और इसीलिए उनके जीवन में ज्ञान की उपलब्धि, भक्ति मार्ग में अपने ईश्वर के साथ दृढ़ बंधन, और जीवन में हमने जो भी पाया है, जो भी सीखा है, वो सभी तभी सार्थक होगा जब हम परोपकार करेंगे, दूसरों को मदद करेंगे। श्री अम्मा भगवान कई सालों से दिए हुए ज्ञान सूत्र को धर्मा नाम के वीडियोस के माध्यम से उपस्थापना किया गया है, उसमें आज हम धर्मा 15 इस वीडियो में जो भी टीचिंग्स है इसे अभी हम देखेंगे। अपने आप का सामना ना करने से आप उन्नति नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट अपने बचपन में स्टडीज में फोकस करना उनके लिए नामुमकिन था, क्योंकि वो बहुत खेलते थे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना उनके लिए बहुत आम बात थी। जब उनके स्टडीज में बहुत ही लो मार्क्स आए थे, एक दिन टीचर ने सभी के सामने उनको बहुत डांटा। अक्सर ऐसा होता था कि ऐसे कभी डांट पड़ता था तो उसको भी ऐसे ही उड़ा देते थे, किंतु इस बार उनको बहुत दुख लगा। इस बार वो दर्द उनको कहीं जाने ही नहीं दे रहा था। उनके भीतर के इस दर्द के साथ वो रहने लगे। उनके अंदर यही प्रश्न आया कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने अपने सच्चाई को देखा, कैसे वो बाहर एक खुशी से रहने वाले व्यक्ति का छवि दे रहे हैं, किंतु अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। अपने आप को इन्फीरियर फील करते हुए उस इन्फीरियोरिटी को पर्दा डालने के लिए उनके मस्ती खोर के एक छवि वो बाहर सभी को दिखा रहे हैं, जबकि उनके भीतर वो अपने आप को बहुत ही इन्फीरियर अनुभव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने सच्चाई का सामना किया, उनके भीतर वो शांति प्राप्त किए। धीरे धीरे पढ़ाई में वो एक जेन्यून इंटरेस्ट डेवलप किए, और वही उनको आगे जाकर मेहनत करने के लिए और उनके पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ अचीव करने के लिए मदद किया। ये व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ाई में अव्वल होकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करके अभी एक बहुत ही समाज में आज बहुत सम्मानित स्थान में पहुंच गए। दूसरा टीचिंग देखेंगे। यदि आपका हृदय सत्य के साथ है तो कुछ भी सफल होगा। एक डॉक्टर जो उनके सर्जरीज में हमेशा सफल होते हैं, एक बार उनके सामने जब एक टफ केस आया तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह उनके पेशेंट को वो बचाएं, किंतु उनके भीतर उस पेशेंट के बारे में सोचकर दर्द महसूस हो रहा था। जब उन्होंने अपने आप को प्रश्न किया कि उनके भीतर ये दर्द क्यों, क्योंकि उनको उस पेशेंट के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो उनके अपने नहीं थे, तो उनके भीतर उन्होंने रियलाइज़ किया इस पेशेंट को अगर वो बचा नहीं पाएंगे तो वो एक सफल डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। इस सत्य को जैसे जैसे अपने मन के गहराई में वो देखते गए, तो वहाँ पर उनके सत्य के साथ रहने के वजह से श्री अम्मा भगवान ने उनको मदद किया। सर्जरी सक्सेसफुल हुआ, वहाँ पर रोगी भी ठीक हो गए। जब आप अपने सत्य के साथ रहेंगे तो आप जो भी करेंगे उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। श्री परम ज्योति के चमत्कार अभी हम सभी ध्यान से सुनेंगे। আমি তামিলনাড়ু রাজ্যের কোয়েম্বাটুর থেকে বিজয় কুমার বলছি।
আমরা কয়েক প্রজন্ম ধরে স্বর্ণ ব্যবসার সাথে যুক্ত। বিহার রাজ্যে আমাদের আদি ব্যবসা ছিল। সেখানে আমরা পাটনা শহরের বিভিন্ন খুচরো দোকানে গহনা তৈরির সোনা সরবরাহ করতাম। এই কারণে আমাদের প্রায়শই একটানা কয়েকদিন ট্রেনে যাতায়াত করতে হতো। অলংকারের ব্যবসায় ট্রেনে যাতায়াতে আমাদের জীবনের যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। এরকম বহু ঘটনার কথা শোনা যায় যেখানে ব্যবসায়ীরা দুর্ধর্ষ ডাকাতের হাতে সারা জীবনের বিপুল বিনিয়োগ খুইয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। একদিন আমি আমার অন্তর্যামীকে জানিয়েছিলাম কিভাবে শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান সপরিবার আমাকে দৈব সুরক্ষা প্রদান করছেন। এইরকমই একবার ট্রেন যাত্রায় শ্রী পরমজ্যোতি আমার অলৌকিক দর্শন ঘটিয়েছিলেন। আমরা প্রচলিত অভ্যাসবশত সাবধানতা হিসেবে আমাদের সুটকেস শিকল দিয়ে ট্রেনের সিট বা বার্থে বেঁধে রাখি। শ্রী পরমজ্যোতি আমাকে দেখিয়েছিলেন যে একজন চোর শিকল কেটে আমার সুটকেস নেওয়ার চেষ্টা করছিল। শিকল আলগা হয়ে গেলেও যথেষ্ট বল প্রয়োগের পরও সে সুটকেসটি তুলতে পারেনি। ইতিমধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শ্রী পরমজ্যোতি আমাকে দিব্য দর্শনের মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন কিভাবে তিনি বামন অবতার রূপে তার বিশাল পায়ের চাপে সুটকেসটি চেপে ধরে সেটিকে চুরি হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। ওই সুটকেসে আমি পৌনে 2 কেজি গহনার সোনা রেখেছিলাম। শ্রী ভগবান দৈব রূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন বুঝতে পেরে আমি গভীরভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম। এই অঘটনের ফলে আমাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগে চিরতরে ইতি ঘটত। শ্রী পরমজ্যোতি আমাকে দেখিয়েছিলেন কিভাবে তিনি 2 বার অনুরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখে আমাকে সুরক্ষা প্রদান করেছিলেন। শ্রী আম্মা ভগবান মোট 3.5 কেজি সোনা চুরির হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের বহু কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি আটকেছিলেন। এই কথা শুনে যখন গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার 2 চোখ জলে ভরে উঠেছিল, শ্রী পরমজ্যোতি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যেহেতু আমি নিয়মিত সমস্ত হোমযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে যথেষ্ট সৎকর্ম অর্জন করতে পেরেছি, তিনি সর্বদা আমাকে সুরক্ষা প্রদান করবেন। হোমযজ্ঞে অংশ নেওয়ার পর থেকে আমার ব্যবসায় সমৃদ্ধি ঘটেছে। এমনকি স্বর্ণ ব্যবসায় বিশেষ সংকটের সময়ও আমার হাতে বাইনার কমতি ছিল না। শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের দৈব কৃপায় আমরা কোয়েম্বাটুরের অভিজাত এলাকায় নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী জমি কিনে 4,000 বর্গফুটের স্বগৃহ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রিয় পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবানের দৈব অনুগ্রহে আমাদের জীবন প্রগতি এবং সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হে পরম প্রিয় শ্রী পরমজ্যোতি ভগবতী ভগবান, আপনাদের দিব্য চরণ কমলে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হমারে জীবন মে জব হম চমৎকারোঁ কো সুনতে হ্যায় হমারে ঈশ্বর কে প্রতি আস্থা আর উনকে সাথ বন্ধন দৃঢ় হোতা হ্যায়। হম হমারে জীবন মে অধিক চমৎকারোঁ কো প্রাপ্ত করতে হ্যায়। अगले भाग में टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। जब परिवर्तन के लिए जुनून समाप्त हो जाता है तो आप परिवर्तित हो जाते हैं। हम जो भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम जहां कहीं भी हैं, इस जीवन में हर किसी को अपने भीतर एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता है कि वो किसी और के जैसे क्यों नहीं है, वो किसी और के स्थान में अभी क्यों नहीं है। हर कोई अपने जीवन में अपने गुस्से से बाहर आना चाहते हैं, अपने घृणा डर मन के सभी खेल या झूठ इन सभी से हर कोई बाहर आकर शांतिपूर्ण प्रेमपूर्ण एक साहस के साथ सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, किंतु इस प्रयत्न में आप कामयाब नहीं हो पाते हैं जिसके चलते आप और निराश हो जाते हैं। लेकिन हम सभी को समझना चाहिए समस्या हम जो हैं उससे नहीं, किंतु लगातार हमारे भीतर हम जो हैं जैसे हैं उसे बदल देने की एक कोशिश जो हम किए जा रहे हैं यही हमारा सबसे बड़ा समस्या है। जब हम ये बदल जाना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों है,
ये जो हमारे भीतर हमेशा एक ऑब्सेशन है ये चेंज के बारे में, जब हमारे भीतर मानसिक रूप से ये ऑब्सेशन, ये जुनून जब ख़त्म हो जाएगा, तब वहाँ पर शांति, प्रेम और आनंद को आप अनुभव करेंगे। जहाँ आपने जो परिवर्तन सोचा नहीं, वैसे एक परिवर्तन आपके अंदर आप देखते हैं। अभी हम श्री भगवान जी के दिव्य संदेश को पवित्रता के साथ सुनेंगे। Enlightenment is the basic realization that you don't actually exist and there's no personal suffering. Because we talk about enlightenment in many different ways, but the commonest definition is there's an end to personal suffering and an end to the feeling that you exist as an individual. But God realization is something totally different, where you realize that there's an entity, a power with which you could relate and you could get your things done. That is what we call God realization. And ultimately, you becoming that God yourself. Yes, the lobes keep changing a lot more. And as the lobes keep changing, ultimately there comes a point when you see that the God whom you're praying to or relating to is but yourself. First, it comes as an insight, then as some kind of realization, and then an actual happening occurs. When the shift happens, you know, then you're like Christ saying, I and my Father are one. That happens. प्रश्न पूछा गया, मैं और मेरे पिता एक ही हैं, इसका अर्थ क्या है? भगवत साक्षात्कार क्या होता है? श्री भगवान ने उत्तर में बताया, जीवन मुक्ति एक ऐसा एक रियलाइजेशन है जहां पर व्यक्ति को अपने भीतर व्यक्तिगत दुख महसूस नहीं होता है। हम मुक्ति के बारे में तरह तरह के मार्ग से बात कर सकते हैं। मुक्ति की परिभाषा अगर किसी को समझना है तो आपके भीतर पर्सनल सफरिंग, व्यक्तिगत दुख खत्म हो जाता है और आपके भीतर मैं एक व्यक्ति, अलग व्यक्ति हूँ, ये अलगाव भाव आपके अंदर समाप्त हो जाता है। जबकि भगवत साक्षात्कार इससे संपूर्ण भिन्न है, जहाँ पर व्यक्ति ये महसूस करते हैं, उपलब्ध करते हैं कि इस दुनिया में एक महाशक्ति है, ऐसे एक परम चैतन्य है जिनसे हम सभी रिलेट कर सकते हैं, जिनसे हम बातें कर सकते हैं और हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं मांग कर प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम भगवत साक्षात्कार कहते हैं। इस प्रयाण में व्यक्ति जैसे जैसे अग्रसर होते जाएंगे, अंत में वो महसूस करेंगे वो स्वयं ही भगवान है। अगला प्रश्न, क्या जीवन मुक्ति हमारे मस्तिष्क के लोब्स के ऊपर प्रभाव डालता है? श्री भगवान ने कहा, हाँ, आपके मस्तिष्क में लोब्स जो है ये बदलते रहते हैं। ये लोब्स जैसे जैसे बदलते रहते हैं, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर आप जिन्हें प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें पूजा कर रहे हैं, जिनसे आप इतने सालों से अपने इष्ट या अपने ईश्वर के रूप में आप रिलेट करते हुए आए हैं, आप उपलब्ध करेंगे, आप स्वयं ही वो बन गए। आपके भीतर जब ये अंतर्दृष्टि एक रियलाइजेशन के रूप में स्वाभाविक रूप से जब अपने आप घटित होता है, तब आपके भीतर एक शिफ्ट, एक परिवर्तन को आप अनुभव करते हैं। तब आप जान पाएंगे जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं और मेरे पिताजी एक हैं। तो आप जब इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप उपलब्ध करते हैं आप और आपके पिता एक ही हैं, मतलब आप और आपके भगवान एक हो गए। जीवन मुक्ता कैसे अपने जीवन को अनुभव करते हैं, अभी हम देखते हैं। द अवेकेंड वन लुक्स इनसाइड वनसेल्फ, द अनअवेकेंड वन looks outside oneself. जीवन मुक्ता अपने आंतरिक दुनिया को देखते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति बाह्य जगत को देखते हैं।
एक महिला हमेशा अपने रिश्तेदार उनको सम्मान नहीं करते हैं करके रोते रहते हैं, उनके खिलाफ चुगली करना और उनको बार बार अभिशाप देना, ये उनके लिए स्वाभाविक बात था। जब यह व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हुआ, उन्होंने रियलाइज़ किया कैसे वो हमेशा बाह्य जगत को ही देखते आई हैं, दूसरों ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, यही वो देखते आए हैं। पहली बार उनके मनोवृत्ति, बातें और कार्य कैसे दूसरों को उनके प्रति वैसे व्यवहार करने के लिए बाध्य कर रहा है उन्होंने देखा। इतने सालों से उनके भीतर की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को, उनके भीतर अपने आप को कम मानने वाले वो सारे चीज़ों को वो ढकते आ रहे थे, जिसके वजह से वो दूसरों के बारे में ऐसे शब्द उपयोग करते थे जहां वो दूसरों को अपमानित महसूस कराते थे, जिसके वजह से दूसरे भी उनको असम्मान करने लगे। जब ये महिला आंतरिक दुनिया को देखते हुए वो कौन है उपलब्ध करते गए, तो वहाँ पर शांति आनंद को महसूस किए। पहले के जैसे दूसरे उनके जीवन में क्या कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात करना छोड़ दिया। उनके अपने बिहेवियर पहले से आज तक कैसे दूसरों के प्रति रहा, उन्होंने उसको रियलाइज़ किया। अभी मुक्ति पाने के बाद, इस सच्चाई को जानने के बाद, दूसरों के अंदर भी परिवर्तन आया। दूसरों के तरफ से उनको प्रेम और सम्मान प्राप्त हुआ। आज हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, इसके जड़ हमारे आंतरिक दुनिया में हैं। जब व्यक्ति अचेत या मुक्ति ना पाकर जीवन को चलाते रहते हैं, वो अपने बाह्य जगत को ही देखते हैं, अपने आंतरिक दुनिया में उनके अपने मनोवृत्ति को वो देख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से हमेशा हर चीज़ में वो दूसरों को ही निंदा देते हैं। जब व्यक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से अंतर्गत हो जाता है। सफलता के रहस्य को देखेंगे। एक सफल व्यक्ति आनंदमय परिवार, कार्यक्षेत्र एवं आनंदमय समाज की सृष्टि करते हैं। एक लड़का जो बहुत ही असंतुष्ट रहता था, जीवन में असफल हो रहा था, जिससे उनका व्यवहार कुछ इस प्रकार से था, चीज़ों को तोड़ना, पैसे फिजूल में खर्च करना, सिगरेट पीना शुरू कर दिए, माता पिता को असम्मान करना, बहनों को मारना, हमेशा खेल के नाम पर दूसरों के खिड़कियों को तोड़ना, और जो भी गली में बच्चे होते हैं उनके साथ बड़ा शरारती होकर उनके मोहल्ले में बहुत कुछ अशांति फैला रहा था। ये लड़का जब से कल की धर्म में हुए अलग अलग प्रक्रियाओं में भाग लिए, उनके भीतर परिवर्तन आया। उन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करना शुरू किए। पढ़ाई जैसे जैसे अच्छा होने लगा, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आया। वो इंजीनियरिंग एक मेरिट सीट में प्राप्त करके MS PhD USA में कंप्लीट करके आज वो प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, जहां वो बहुत ही सम्मानजनक स्थान में पहुंच गए हैं। सफल होकर वो बहुत खुश हैं। अपने माता पिता की सेवा, उनके सम्मान, उनसे प्रेम करना अभी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके फैमिली के जितने भी लोन्स थे उसको उन्होंने पूरी तरह से चुकाया, बहनों की शादी कराया और अभी पूरे परिवार बहुत खुश हैं। साथ ही साथ वो व्यक्ति अलग अलग सामाजिक सेवा संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज की सेवा भी कर रहे हैं। उनके ऑफिस के प्यून के बच्चों को भी पढ़ाई करने में आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। जब कोई अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वो आनंद को प्राप्त करेंगे, और जब व्यक्ति आनंद में है तो वही आनंद वो दूसरों को बांटते हैं। अपने परिवार को एक आनंदमय परिवार और अपने कर्म क्षेत्र और समाज को भी वो आनंदमय कर सकते हैं। अगले भाग में साधक पूछ रहे हैं,
सत्यनिष्ठा क्या है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मन किस तरीके से काम कर रहा है इस विषय के बारे में सचेतन होना ही सत्यनिष्ठा है। आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, ये आपके लिए व्यक्तिगत रूप से एक रियलाइजेशन बनना है, आपको उपलब्ध करना है। इस प्रार्थना के साथ अभी हम भजन में भाग लेंगे। श्री कल्कि आनंद स्वरूपने ब्रह्मांड नायकने हर हरे। श्री कल्कि आनंद स्वरूपने ब्रह्मांड नायकने हर हरे। सत्यलोकनाथ कल्किये, सत्यलोकनाथ कल्किये, शांतस्वरूपने हरे हरे, शांतस्वरूपने हरे हरे। श्री कल्कि भगवान जनार्दना अच्युतानंद नारायण हरे हरे। सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये भक्त पराधीन हरे हरे। सच्चिदानंद परब्रह्म कल्किये भक्त पराधीन हरे हरे। सत्ययुग राजा कल्किये, सत्ययुग राजा कल्किये, ऐश्वर्यनाथने हरे हरे, ऐश्वर्यनाथने हरे हरे। श्री कल्कि भगवान जनार्दन अच्युतानंद नारायण हरे हरे। सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम।